उत्तराखंड सरकार के सिंचाई समिति सलाहकार राज्य मंत्री अदर सिंह तोमर विगत कई दिनों से प्रतापनगर विधानसभा के दौरे पर हैं। आज उनके द्वारा प्रतापनगर विधानसभा के उपली रमोली के ग्राम पंचायत गरवान गांव खंबा खाल ओनाल गांव हैरवाल गांव दीन गांव और मुखेम में जनता से सीधे संवाद किया गया। इस मौके पर उनके द्वारा ग्रामीणों को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में विस्तृत से जानकारी दी गई। उसको अवसर दिए गए हैं और सौर ऊर्जा लगातार मुख्यमंत्री जी ने अभी 200 मेगावाट के सौर ऊर्जा के प्लांट दिए हैं, हमारे लोगों को मिले हैं और 200 मेगावाट के शायद प्लांट फिर आने वाले हैं, वो मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से हमारे युवाओं को देंगे। और एक मुख्यमंत्री जी की एक और अच्छी योजना आ रही आने वाली है, कुसुम योजना है, वो 25 किलोवाट तक की योजना है वो सौर ऊर्जा की, उसमें 10,000 रुपये प्रति माह हमारे युवाओं को मिलेगा। 2 नाली पर आपने वो छोटा सा प्लांट लगाना है। हमारे मुख्यमंत्री जी अपने युवाओं का प्लान करने से रोकने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार स्वरोजगार को लेकर बढ़िया कार्यक्रम कर रही है, लोगों को इसका फायदा लेना चाहिए। उनके द्वारा ग्रामीणों को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के पैम्फलेट्स भी बांटे गए। हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ कि जो स्वरोजगार योजना मुख्यमंत्री जी ने चलाई, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो हमारे युवा भाई हैं पलायन नहीं होगा और प्रत्येक युवाओं को, चाहे मुर्गी पालन हो आपके किसी भी दुकानों के लिए हो, चाहे आप स्कूटी या कोई मैकेनिक के लिए कोई लोन लेना चाहता है, हमारी सरकार ने प्रत्येक बैंकों के लिए कहा और उद्योग विभाग को कई प्राथमिक बरतता है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार की शिक्षा के माध्यम से भी बहुत ईमानदारी से कार्य कर रही है और उनके द्वारा लोगों को मास्क भी वितरित किए गए। चाहे कहीं भी रहें, अपने शहर से जुड़े रहें और अपने शहर की हर खबर के लिए डाउनलोड करें लोकल लाइव ऐप गूगल प्ले पर उपलब्ध।